हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन टू योर ई लर्निंग स्पेस दैट इज़ पढ़ो इंडिया बढ़ो इंडिया। नमस्कार दोस्तों, पढ़ो इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, वो है सॉप रिक्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है कि कुछ जगहों को हम किसी उपनाम से जानते हैं, कुछ जगहें ऐसे फेमस हो जाती हैं जो कि अपने मूल नाम से हट करके उपनाम से ज़्यादा जानी जाती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट उपनामों को हमने इसमें इंक्लूड किया है जिनके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। सबसे पहला है हवादार शहर, विंडी सिटी। ये शिकागो हवादार शहर के नाम से जाना जाता है, इसे विंडी सिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है वाइट सिटी, बेलग्रेड को वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर का वेनिस, वेनिस ऑफ द नॉर्थ, वेनिस ऑफ द नॉर्थ स्टॉकहोम या जो कि स्वीडन में है, इसे उत्तर का वेनिस कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व की चीनी बाउल, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा को कहते हैं। अगला है चीन का दुख या सोरो ऑफ चीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर होंग हो या येलो नदी, येलो रिवर के नाम से ज़्यादा जानी जाती है पीली नदी, इसे चीन का शोक या चीन का दुख कहते हैं। अगला है पवन चक्कियों की भूमि, लैंड ऑफ विंड मिल्स, पोलैंड। पोलैंड फेमस है पवन चक्कियों के लिए, इसे इसलिए पवन चक्कियों की भूमि कहते हैं। अगला है आग के द्वीप, आइलैंड ऑफ फायर, आइसलैंड को कहते हैं आग के द्वीप। अगला है स्विट्जरलैंड, यूरोप के खेल का मैदान, बहुत फेमस है ये, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। अगला है वज्र की भूमि, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये है भूटान, भूटान के लिए वर्ड यूज होता है वज्र की भूमि। अगला है थाईलैंड, थाईलैंड फेमस है सफ़ेद हाथी की भूमि के लिए, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे, आधी रात सूरज के देश, आधी रात में जहाँ सूरज दिखता है उसे कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन और वो है नॉर्वे। अगला है उगते सूरज के देश, उगते सूरज का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान, ये सबसे ज़्यादा पूर्व में स्थित है इसलिए यहाँ सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। अगला है सुबह शांति की भूमि, लैंड ऑफ मॉर्निंग कर्म, ये है कोरिया। हजार झीलों की भूमि, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, ये है फिनलैंड। नेक्स्ट है लिली की भूमि, लैंड ऑफ लिलीज, ये है कनाडा। कंगारों की भूमि, ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ कंगारू। अगला है ईगल्स की भूमि, लैंड ऑफ ईगल्स, अल्बानिया। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग के द्वीप, आइलैंड ऑफ क्लब्स, मेडागास्कर। अगला है मोती के द्वीप, आइलैंड ऑफ पर्ल्स, बर्हिन। अगला है होली लैंड, पवित्र भूमि, फिलिस्तीन। नेक्स्ट है ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं अबरदीन को, ग्रेनाइट सिटी। अगला है जॉर्ज क्रॉस आइलैंड, माल्टा को हम कहते हैं जॉर्ज क्रॉस आइलैंड या जॉर्ज क्रॉस द्वीप। इंग्लैंड का गार्डन, गार्डन ऑफ इंग्लैंड, कैंट को कहते हैं गार्डन ऑफ इंग्लैंड। फॉरबिडन सिटी, ल्हासा, तिब्बत। अगला है इटर्नल सिटी, रोम, इटली। शाश्वत नगर हिंदी में वर्ड यूज होता है, तो ये है रोम जो कि है इटली में। इमरलैंड आइलैंड है आयरलैंड, पन्ना द्वीप जिसे कहते हैं वो है आयरलैंड।
एम्पायर सिटी, साम्राज्य सिटी ये है न्यूयॉर्क। अपनी विशाल इमारतों के कारण इसे एम्पायर सिटी या साम्राज्य सिटी कहते हैं। अगला है डार्क महाद्वीप, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। डार्क कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। कॉपर कंट्री जाम्बिया, कॉपर का देश है जाम्बिया। सात पहाड़ियों का शहर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटी ऑफ सेवन हिल्स ये रोम के है, रोम में है सात पहाड़ियां। गोल्डन गेट का शहर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। अगला है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क, गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क। साइकिल की सिटी, सिटी ऑफ साइकिल्स ये है बीजिंग चाइना। पूर्व का ब्रिटेन के नाम से प्रसिद्ध है जापान, ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने इंपॉर्टेंट सब रिक्वेस्ट इंक्लूड किए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें लिख सकते हैं पे इंडिया बी इंडिया @gmail.com पर। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।